प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बीच गुरुवार से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई। लॉकडाउन में छूट और सरकार के आदेशों के बाद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं की शेष परीक्षाएं आयोजित करवाना शुरू कर दिया। इसके तहत परीक्षा केंद्र पर सैनिटाइज, मास्क पहनने से लेकर सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था की गई। 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए इस बार 8,67,000 विद्यार्थी पंजीकृत हुए, जिनकी शेष परीक्षाएं आयोजित हो रही है। इसी तरीके से अब कक्षा 10वीं की भी शेष परीक्षाएं आयोजित करवाई जाएगी। कोरोना संक्रमण के दौरान स्थगित की गई बोर्ड परीक्षाएं फिर से शुरू हो चुकी है। आज से जिस तरह से कक्षा 12 की परीक्षाएं शुरू हुई, जिस तरह से बात करें तो सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए परीक्षाएं आयोजित की गई है। हालांकि जो सरकार की ओर से जो तमाम इंतजाम किए गए थे उसी के तहत जो परीक्षाएं, हमारे साथ स्टूडेंट हैं, उनसे बात करेंगे किस तरह से आपको बदलाव है वो देखने को मिला है। पहले जो परीक्षाएँ होती थी और उनमें अब वो जो परीक्षाएँ हुई उनमें किस तरह से अंतर देखने को, बदलाव तो कुछ नहीं है, बस कोरोना का थोड़ा सा बस डिफरेंस था, बस बाकी कुछ नहीं है, सेम वैसा ही है जैसा पहले था। क्या कुछ आपको इनकी थर्मल स्कैनिंग की गई या फिर मास्क सैनिटाइज की जो व्यवस्था है? मास्क और सैनिटाइज की व्यवस्था है, बट वो थर्मल स्कैनिंग की नहीं है। कुछ और स्टूडेंट भी हैं जिनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन जिस तरह से राज्य सरकार और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से जो व्यवस्थाएं की गई थी उसमें यह कहा गया था कि कोरोना संक्रमण के दौरान जो परीक्षाएं आयोजित करवाई जा रही है बोर्ड परीक्षाएं, उनमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और थर्मल स्कैनिंग की जाए। लेकिन बात करें तो इस तरह की जो थर्मल स्कैनिंग की जो व्यवस्थाएँ हैं वो देखने को नहीं मिली। अभी जो जिस तरह से आप जो एग्ज़ाम देकर बाहर निकल रहे उन स्टूडेंटों को देख रहे हो कि किस तरह से वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वो बाहर जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट हो रहे हैं, बड़े किस तरह से जो एग्ज़ाम हुई है आपने मास्क पहन रखा है और वो क्या उसी तरह से एग्ज़ाम हुई है जिस तरह से पहले होती थी? नहीं, इस बार हमें डिस्टेंस उतारा गया है, मैं जाऊँ लेट हो रहा है। तो जिस तरह से इन्होंने बताया कि पूरी सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए इस बार जो परीक्षाएं हैं वो आयोजित करवाएगी। बात करें तो प्रदेश भर में आज जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं शुरू हुई है, जिसमें आज गणित विषय का पेपर था और इसी के बाद में अब जो अन्य शेष परीक्षाएँ वो आयोजित करवाई जाएगी। और बात करें तो कक्षा 12 में इस बार तकरीबन 8,65,000 के करीब विद्यार्थी वो भाग ले रहे हैं। उसके बाद में जो 29 और 30 जून को कक्षा 10वीं की जो परीक्षाएँ होंगी उसमें भी इसी तरह के इंतजाम वो रखे जाएंगे। जयपुर से कैमरामैन रामकिशन सैनी के साथ मैं लोकेश ओला A1 TV।